ही जरूरी खबर वध तो वध शेयर करो ताकि मासूम लड़कियां दी जिंदगी तबाह बर्बाद होने तो बच सके। मलेरकोटला दा एक ऐसा दरिंदा इंसान जो कई सालां तो मासूम अते चंगे घर दियां लड़कियां नूं साजिश दे तहत अपने प्यार दे जाल विच फसा के लड़की नाल विवाह करवा के उसका शारीरिक शोषण करके तलाक दे दिंदा है। अजिहा एक बार नहीं पंच बार हो चुका है। इस जलील बंदे ने पंच मासूम लड़कियां नूं तलाक दे के उन्हां दी जिंदगी नाल खिलवाड़ किया है अते हुण छेवां विवाह करवान जा रहा है। हर लड़की नूं इसने एक या दो महीने रख के एक कह के तलाक दे दिता है कि हुण मेरा मन भर चुका है, हुण मैं तेनू नहीं रख सकता, तू मेनू सोहनी नहीं लगती। ए जलील इंसान अपने दोस्तां नूं ए कहंदा है कि उसका टारगेट 14 व्याह करवाउंदा है जिस दे विच उसका बाप इस जलील इंसान का साथ दे रहा है अते भोले भाले लोगों नूं गुमराह कर रहा है। अजिहे लोग ही मुसलमानां नूं बदनाम कर रहे हैं। 11 नूं मौका मिलता है साडे उत्ते उंगल चुकण दा। इह जलील बंदे मिठाई दा डब्बा बनाउण दा काम करदे ने। अज भी रखी गई मीटिंग विच शहर दे मोहतबर लोकां ने इह फैसला कीता है अते मलेरकोटला दे लोकां नूं इह अपील कीती है कि इस परिवार दा मुकम्मल हुक्का पानी बंद कीता जावे अते नाल ही जिन्ने भी मलेरकोटला दे हलवाई हन उन्हां तों मिठाई वाला डब्बा खरीदते हैं उन्हां दे नाल अपना मुकम्मल कारोबार बंद करन, नहीं तो उन्हां हलवाइयां तों भी अगे तों कोई चीज ना खरीदन बारे अगला फैसला लिया जाएगा। इंशाअल्लाह यह बायकाट इसलिए किया जा रहा है ताकि इन्हां नूं अपनी गलती का एहसास हो सके अते सारे शहर नूं इन्हां दी सच्चाई बारे पता चल सके, साडियां धीआं भैणां इन्हां दा निशाना ना बन सकन। इन्हां नाल कारोबार करन वाले इह ध्यान जरूर रखन कि अगर इन्हां बंदियां नूं अज सबक ना सिखाया गया तां कल नूं अजिहे जलील लोग साडियां धीआं भैणां दी जिंदगी बर्बाद कर सकदे हन।